गिरती पड़ते रहो बस। इसको मत धक्का दो। भाग रही सबसे ज्यादा यही खा रही है पेट, इसने तो बैग पा रखा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है हमारा लखनऊ में डे वन और आज का पूरा व्लॉग है डे वन का। गाइस देखो हमसे पहले कौन पहुंचा हुआ है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर। अब हमारा ग्रुप पूरा कंप्लीट होता है ट्रेल में। हमसे पहले ये लोग आके इन्होंने चेक इन के लिए बैठ गए ये लोग आके, और ऊपर से ये लोग अपने गांव से आए हैं। सोचो वाह, बहुत मजा आने वाला है। मतलब हमारे जितने भी लोग हैं वो सारे कंप्लीट हो गए, अब बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि ट्रेन में भी नहीं थे ये लोग, लेकिन सेम टाइम पे पहुंचे बस हमसे थोड़ा पहले। अभी हम लोग करवा रहे हैं चेक इन और जल्दी से हम लोग रूम लेते हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी 2 बज चुके हैं, 2 बजने वाले होंगे। मैंने टाइम नहीं देखा है क्योंकि मैं तो नींद में ही हूँ यार। जल्दी से हम लोग रूम लेते हैं, फिर अपने रूम में जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और पहले मैं आपको होटल दिखा देती हूँ कि कैसा है। ये मेरा आज का आउटफिट है जो कि आप लोग देख सकते हैं, जो बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ। ये मेरी बैगी टी शर्ट जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये यूज नहीं हुई बिल्कुल भी। मैं आपको पूरा होटल रूम का टूर करवा देती क्योंकि मैं भूल जाती हूँ यार हमेशा। तो अभी मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ, क्या है क्या नहीं है यहाँ पे। ये हमारा मिरर है सामने खुलते ही, सबसे बड़ा अच्छा सा। और यहाँ पर ये है सारा कुछ खाने पीने के लिए, जो ये लड़की सारा खा जाएगी। चाय सारी पी जाएगी। मतलब होटल में कैसा होता है, मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे भी ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। एवरी डे का नेस्ले मैं खा जाऊंगा। हमारे रूम में से किसी को चोरी नहीं करेंगे। हाँ चोरी नहीं करेंगे, ये सारे लोग चोरी कर लेते हैं यार। ओ अम्मी यहाँ पे यूज कर रही है, क्या चीज़ अम्मी? प्यारा साबुन, वाह कितना प्यारा लग रहा है, क्यूट है। और यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको कि ये है हमारा लॉकर जिसमें हम सामान रख सकते हैं, अपने पैसे वैसे। और ये है वो जगह जहाँ पे हम ऐसे बैठ के मेकअप थोप सकते हैं। ओह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। मेकअप के लिए मुझे जो है जगह ऐसी ही चाहिए थी, और वो जगह बाथरूम भी है। हमारे सारे टॉवल्स रखे हैं और यहाँ पर हमारी चप्पल रखी है जो की मैं पहनने वाली हूँ, और ये शूज के लिए पॉलिश करने के लिए, और ये लॉन्ड्री बॉग है बैग, और ये समरीन जो 2 करोड़ लेकर आई है वो इसमें रखेगी, और समरीन का सीक्रेट फोन वहाँ भी दिखा दो। तुम्हारे रहने के लिए ये जगह, और ये जगह ये हमारा वॉशरूम है, और ये हमारे बेड्स हैं। जब इन लोगों के रूम में हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए कि क्या क्या बना है इनके रूम में, क्या है। अभी मैं देखूंगी भैया क्या है इनके रूम में, ऐसा अगर कुछ होगा तो मैं वो रूम ले लूंगी। देखो कैसे भाग रहे। ये रूम है यार, ये रूम है, खोलो 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 जल्दी, इसमें सोना ही सोना है। ओ भाई यार इसमें हवा चल रही है, हवा चल रही है यार। और ये अलग साइड पे है, ये रूम ज्यादा अच्छा है, ये रूम ज्यादा अच्छा है, ये रूम ज्यादा अच्छा है। इसका व्यू, ओ माय गॉड, गंदा व्यूज है। ये सीक्रेट रूम है यहाँ पे। गाइज मैंने समरीन का व्लॉग हैक कर लिया, देखिए पीछे शुतुरमुर्ग की तरह समरीन देख रही है उधर। खा पी के टुन हो गई है, और अभी अभी हमने डिसाइड किया लखनऊ में जू बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो इसको छोड़ के आएंगे। तो गाइस अभी सब लोग गए हैं आराम करने के लिए, और मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए अपने, और मैं सोच रही कि अभी रेस्ट करती हूँ मेकअप रिमूव करके आराम से बिल्कुल। और शाम में जो हमारा प्लान है वो है यहाँ का बड़ा सा मॉल है, लूलू मॉल। आज हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, रात हो जाएगी, तो इसलिए हम वही मॉल ही जाएंगे और खाना भी खाएंगे, क्योंकि आज अभी शाम हो ही गई है, तो अभी हम थोड़ा रेस्ट करके या तो पूल जाएंगे या तो दोनों चीजें करेंगे। तो अभी देखते हैं, अभी मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि जाके रेस्ट कर लेती हूँ, और व्लॉग भी अपना रख लेती हूँ लैपटॉप में, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम अभी लग रहे हैं सर पे। सब कुछ कर लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पे देखो अम्मी भी सो गई हैं, और ये भी देखो हम लोग सभी लेटे हैं बिल्कुल, और सारे लोग अपने अपने रूम में चले जा चुके हैं। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको उठ के। हमने मंगाई है अभी ये टी, ये बिस्किट्स। मैं उठ के आ चुकी हूँ, मैं अभी सोने गई थी लेकिन मैं उठ के आ गई जाने के लिए। नींद है तो अभी कपड़े चेंज करते हैं और पूल में चलते हैं। हम आ गए हैं पूल में, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, ये मेरे मांगे हुए कपड़े। काफी ठंडा हो रहा है यार, डर लग रहा है कैसे जाऊं। ये है हमारा पूरा पूल एरिया।
गाइस इसको देखो, ये किड्स वाले में जा रही है डरपोक। चल ओ भाई बहुत ठंडा है, बहुत ही ज्यादा ठंडा है। अब समरीन यहाँ पे जंप करने वाली, जहाँ पे लिखा है नो डाइविंग। प्रैंक हो गया आपके साथ, प्रैंक हो गया आपके साथ। फोन के साथ मत भेज देना, इसको मत धक्का दो। अगला व्लॉग आएगा ही नहीं कभी भी। हमारे फॉलोअर्स मुझे गाली देंगे फिर। गाइस चलो मैं वहाँ पर जाकर आपको लेट कर दिखाती हूँ। चलो मैं लेटने जा रही हूँ वहाँ पे। मैं इनके बड़े वाले पूल में सिर्फ पैर रख पा रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। ये देखो यहाँ पे नो डाइविंग लिखा है, तो हम डाइविंग नहीं करेंगे। मैं वैसे ना इसमें ना कूदने वाली थी, लेकिन मैं नहीं कूदी क्योंकि यहाँ पे नो डाइविंग लिखा है, वरना मैं अभी जंप मारूंगी जोर से। गाइस मछली जल की बिरानी है हो रहा है यहाँ पे। ये सारी मछली इधर देखो सब। हाय बोले से मछली। आने के बाद हम लोग हो गए हैं बिल्कुल तैयार। पूल से आने के बाद जो है हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोए, मैं बिल्कुल रेडी हो गया। अभी सब लोग यहाँ पे चाय पी रहे थे। बाद अभी हमारा प्लान हुआ है कि हम यहाँ के बहुत ही फेमस मॉल लूलू मॉल में जाएंगे और वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पे कैसा मॉल है। और वहाँ से जाने के बाद हम लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं कि खाने की क्या क्या चीजें हैं वहाँ पे स्पेशल, कैसा मॉल है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ होती है। और इंस्टा पे भी मैंने बहुत देखा है, और यहाँ का स्ट्रीट फूड भी मैंने बहुत देखा है। चिकन और सब बिरयानी 60 रुपीज में मिलती है। तो यहाँ पे चिकन स्टिक की बात हो रही है कि 10 रुपए में चिकन स्टिक मिल रहा है, सब लोग पागल हो रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे वो मच रही है कि भागो जल्दी से खाने के लिए। भाई पता नहीं कितने का ही मिल रहा है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा है सच में मिलेगा या नहीं। चिकन का होगा फिर काउ काउ ना करने लग जाए हम लोग। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे सारा मेकअप फैला हुआ है। बिल्कुल ये सारा मेकअप हमारा रखा हुआ है सारा। यहाँ का व्यू आप लोग देख सकते हो, रात हो चुकी है। तो अब फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी, और मेरा स्टोरेज मतलब मेरे फोन का स्टोरेज फुल हो गया था, उसके बाद मैं व्लॉग नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं देखो मैंने वही आउटफिट पहन लिया अभी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अपने आउटफिट को वेस्ट ना करूं, क्योंकि हम रात में निकल रहे हैं, मैं फोटो नहीं क्लिक कर पाऊंगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यही वाला पहन लूं, और ये भी मैंने आज ही पहना है, ये न्यू है। तो मैंने सोचा कि इसमें फोटो क्लिक हो जाएगी तो अच्छी बात होगी। मैंने अभी हेयरस्टाइल बनाई अपनी, ये पर्पल और ये मेरे नेल्स भी पर्पल। वाओ। तो अब चलो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, और फिर हम चलते हैं मॉल, और फिर खाएंगे पियेंगे मजे करेंगे। यहाँ पर सब लोग वेट करते करते थक चुके हैं बिल्कुल। गाइस होटल में जो लाइट होती है ना, ये वाली लाइट मतलब अलग ही होती है, और ये वाली लाइट ना मुझे वॉशरूम की लाइट जो है वो सबसे अलग लगती है। जो बाहर वाली लाइट तो बहुत डिम है ना, तो उसमें ज्यादा कुछ पता नहीं चला, ऊपर से रात हो गई है तो इतनी ज्यादा लाइट होती नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो होता है वो आउटफिट दिखाने के लिए सबसे बेस्ट होता है। ये देखो मैंने 100 बार आपको आउटफिट अपना दिखा दिया है। अभी जो मैंने चेंज किया वो ये चेंज किया है, ये देखो दिखाती हूँ। ये देखो अभी जो मैंने चेंज किया, ये जीन्स चेंज की अपनी जो कि मैंने न्यू ली थी कल, ये बहुत पसंद आ रहा है मुझे बहुत ज्यादा। ये देखो इसका लुक कुछ ऐसा है, मतलब इसमें पॉकेट्स है कि देखो ऐसा लग रहा है। और ये मेरा मैचिंग बैग, मैंने सुबह में ये नहीं पहना था, सुबह मैंने इसलिए नहीं पहना क्योंकि लॉन्ग है थोड़ा, इसके लिए मुझे बूट्स पहनने पड़े थे। वैसे मैंने गेट रेडी विद मी बनाया है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा, तो जरूर देखना, वो शॉर्ट्स पे आएगा। ये लोग गेट नहीं खोल रहे हैं गाइस, गेट खोलो भाई, गेट खोलो। बाद निकल चुके हैं, टाइम हो रहा है 8:16। चलो देखते हैं क्या खाने को मिलता है। मतलब सबको इतनी जोर की भूख लगी है यार, हमने कुछ नहीं खाया कल रात से। मैंने अपने घर पे जो कल रात को डिनर किया था ना, उसके बाद से ढंग से कुछ खाया ही नहीं। अकबरी गेट, अकबरी रोड ऐसा कुछ जो भी है, तो वहाँ पे खाने पीने अकबरी गेट के पास ही जा रहे हैं ना। हाँ, तो अकबरी गेट के पास जो खाने पीने की बहुत ज्यादा अच्छी चीजें मिलती है, जो हमने वहाँ पर खाने पीने की। मार्केट में आ गए हैं, बहुत शोर हो रहा है यहाँ पे, बहुत भीड़ भड़ाका और बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। तो अभी हम जहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं वहाँ पर आपको मिलेंगे। चलो अब
अब मैं ले रही हूँ ऑटो राइड और आज मैं अकेले ट्रेवल कर रही हूँ। सब लोग मुझे छोड़ कर चले गए, कोई भी नहीं है यहाँ पे। मैं हूँ, ये देखो झूठी है, ये झूठी। ये आगे भी कुछ लोग बैठे हैं, ऐसा लग रहा है तुम्हारा दिमाग से पेट खाली है तो सब दिमाग खाली हो रहा है। एक्चुअली बात ये है कि हमें लग रही भूख। तो यहाँ पर ना मुझे बहुत अच्छे अच्छे चिकनकारी कुर्ता दिख रहे देखने को, और यहाँ के तो फेमस होते ही वैसे लखनवी कुर्ता। मेरे पास है वैसे एक तो, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि ले ले यहाँ पे, बहुत प्यारे प्यारे मिल रहे हैं। यहाँ पे कुछ सैम्स कॉट भी दिखे थे जो मैं नाम लेते दूर से, समझने लिए है ये। और अभी हम जा रहे हैं रहीम बिरयानी, रहीम कुलचा नहारी, जो की ओरिजिनल वाले पे जा रहे हैं हम लोग। पता नहीं ओरिजिनल वाला जो ना वो आ गया, और उसका दूसरा वाला भी। गाइस अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने खाने का, मतलब ऑर्डर आने में बहुत टाइम लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ है, ये बहुत फेमस जगह है इसलिए। और शायद लखनऊ से जो भी लोग देख रहे हैं उनको पता भी हो ये जगह, और आप लोग आए भी होंगे यहाँ पे, तो हम लोग तो पहली बार आए। चलो जैसे हमारा कुछ खाने का आता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी हम लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं यार, यहाँ पे बैठे या ना बैठे, बैठे या ना बैठे। तो मैं सोच रही हूँ कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा है ऑर्डर आने में। हमें भूख इतनी ज़्यादा लग रही है, टाइम पता क्या हो रहा है, 9:11 हो गया, अभी रात हो जाएगी तो फिर क्या ही होगा, बंद भी हो जाएगा तो फिर हम खाना भी नहीं खा पाएंगे। हमें इतना तीखा लग गया, हम लोग ले रहे हैं यहाँ से डेयरी मिल्क, हमने डेयरी मिल्क लिए, हमने खा लिया सारा कुछ। वहाँ पे इतनी भीड़ थी और इतना ज्यादा तीखा लग रहा था ना खाना, मतलब बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, मतलब इतना कह सकती कि जितना नाम था ना तो उस हिसाब से खाना भी था। और अभी हम लोग रोड पे खड़े तो मैं ज्यादा ब्लॉग नहीं कर पाऊंगी, लेकिन बहुत अच्छा था सारा कुछ। तो अब बज चुके हैं 10 और हम लोग यहाँ पे देखो बैठे हैं, मतलब खड़े भी बैठे हैं, सोच रहे क्या करें हम, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की चीजें तो बहुत है यार, लेकिन कितना ही खाएंगे हम लोग। मेरा तो छोटा सा पेट है बिल्कुल, मैं तो इतना सबसे ज्यादा यही खा रही है गाइस। नहीं मैं पेट दिखाऊं, पेट इसने तो बैग से छुपा रखा है। मामू बिरयानी के लिए हम ढूंढ रहे हैं अभी, मामू बिरयानी, फिर मामू बिरयानी जाके बिरयानी खा के फिर हम खाना नहीं खाएंगे। जो भी लखनऊ से है वो बताओ मामू बिरयानी है या नहीं, स्क्वाड कमेंट करेंगे सारे, यहाँ पे बहुत सारे सब्सक्राइबर भी हैं, मुझे भी सब्सक्राइबर्स मिले मेरे, और लखनऊ स्क्वाड कमेंट करके बताएंगे कि ये वो आप लोगों ने खाई या नहीं खाई है, और मैंने क्या मिस किया। मामू बिरयानी आ गए हम, जिसका हम कब से वेट कर रहे थे, बहुत ढूंढते हैं यहाँ पे। बिरयानी खाने कहाँ आई हो? बिरयानी खाने में आई थी मामू बिरयानी पे। अच्छा, मामू बिरयानी की बिरयानी इतनी अच्छी लगी कि हम लोग पैक करवा के ले जा रहे हैं अपने लिए। ठीक है समरिया, कल मैं खाला बिरयानी खाऊंगी। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं बहुत ही एक अलग फेमस चाय पीने के लिए। मैं आई हूँ माय पादी। तो 360 में समरीन आपको दिखाना चाहती है, ये आई है माय पादी। यू पादी, माय पादी, हू पादी, आई पादी, ये पादी नहीं है, ये पैडी है शायद डीएलएफ का। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए, मुझे तो चाय नहीं पीनी, इन लोगों की वजह से जाना पड़ रहा है, साथ साथ जा रही सबके, और मैंने खराब आप लोगों को दिखाई दिया। गिरते पड़ते रहो बस। गंदा 5 बार गिर गई। गाइस हम यहाँ पे आए हैं टी टाइम में, टी लेने के लिए, इनको टी पीनी है, बाहर ही वेट कर रही हूँ सबका, क्या चलो अंदर चल लेती हूँ, कोई बात नहीं। अब हम लोग बैठ गए हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि चाय बनकर आ रही है, अभी चाय बनकर नहीं आएगी तब तक हम यहीं भी बैठे रहेंगे, और ये हमारे साथ मेरे कुछ दोस्त भी बैठे हैं। तो चाय की टपरी पर 100 घंटे बैठने के बाद हम निकल पड़े हैं अपने होटल की तरफ, और अब हम फाइनली जा रहे हैं अपने होटल के अंदर। बहुत वेट कर लिया बाहर, अब हम इसलिए वेट किए थे क्योंकि खाना ले रहे थे कुछ, और वैसे हमने खाना पैक भी करवाया है। हमारा मिशन ये है कि हमने बिरयानी लेकर आया, वो आउटसाइड फूड है, उसको हमें अंदर लेकर जाना है, देखते हैं हम पास कर पाते हैं। तो भाई जी बिरयानी को देख रही है कि हम क्या हो गया, बिरयानी लेके ना उसके आ गई अंदर, चलो।
तो गाइज हम लोग आ चुके हैं अभी घर, और घर मतलब होटल आ चुके हैं, और अभी मैं बहुत बहुत थक चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ सच में पक्की वाली नींद सोने, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी है, अब मुझे सच में सोना पड़ेगा। तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और यहीं पर मैं सोचू की व्लॉग एंड करूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो सभी व्लॉग जल्दी से, और आगे के व्लॉग देखने के लिए तो अभी आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा अगले व्लॉग में। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो, और आपको एडिटिंग पर दिख रही होगी, जल्दी जाकर फॉलो करो मुझे। अभी यहाँ पे सब लोग सोने की तैयारी में, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।